किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत ही आदर व सम्मान के मेरे इस इलाके का किसान, मेरा देश का निर्माता, मेरा अन्नदाता, सभी की एकता का परिचय देते हुए सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं तो तमाम मेरे किसान, मेरे पिता समान सभी से हाथ जोड़ के विनती, जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर अपने किसान जहाँ बैठे हैं, मीडिया गुंगी बोई हो चुकी है, अपनी स्थानीय मीडिया है या अपने भाई है, इसलिए आपकी बात पूरी जोर शोर से उठा रहे हैं। वहाँ 50 लाख किसान दिल्ली बॉर्डर के चारों मेर बैठे हैं, मीडिया ये कहने लग रही है यहाँ तो लाखों की तादाद में नहीं है, ये तो हजारों की संख्या में है। तो मैं तो किसानों को इतना हौसला देते हुए, जितने तमाम इलाके के किसान आए, गांव गांव घर घर चौक चौपाल में जाके इस चीज का प्रचार करें। और रही बात अपने साथ अन्याय की, आपने अन्याय मेरे पीछे वक्ताओं ने बहुत ज्यादा बता दिया, किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय है कि जो भी है जो बनाने लग रहे हैं गोदाम जगह जगह गेहूं खरीदने के लिए व्यवस्था करने लग रहे हैं, वो आपके पैसे से बने, आपकी बीमा पॉलिसी के तहत पता नहीं हजारों करोड़ों का स्कैंडल है उसमें आपके साथ, जो पराली के मामले में इन्होंने हजारों करोड़ रुपए, फतेहवाज के अंदर भी स्कैंडल है, मेरे भोला के नजदीक 9 एकड़ में जो पराली सफाई करने के लिए वो प्लांट लगाया गया है उसको 40 करोड़ रुपए दे देंगे बगैर किसी अनुमति के, और आपके इलाके की एक भोला शुगर मिल बगैर गैर कानूनी तरीके से वो उखाड़ के ले जाने लग रहे हैं, वो तो उखाड़ ही लेके लगभग थोड़ी बची है वो, तो इसके लिए भी मैं बता दूं। रही बात आपके किसानों की एकता की, आप संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ये लड़ाई कन्फर्म जीतेंगे, लड़ाई जीतेंगे और कन्फर्म जीतेंगे, लड़ाई में कोई दोराई नहीं, आपकी एकता का परिचय दे दिया कि लड़ाई जीतने के कगार पर नहीं, जीत ली आपने, उस लड़ाई को सुनिश्चित करने की जरूरत है, उस मोदी को तो पेट पिलाने आपके बीच में आके घुटने टेकने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी। देख लिया खट्टर ने कल अंबाला के अंदर, वो कह रहा कि किसानों ने घेराव नहीं किया, वो तो बीजेपी उसके कांग्रेस लोग थे वो मेरे को घेराव करने वाले, अरे समाई कर तेरे को, तेरे बीजेपी वाले घेर के तेरे को बीच में लेंगे, चिंता मत कर, तेरे को ये दिखा देंगे, कम समय में दिखा देंगे, केंद्रीय सरकार को इस बात से चेता देंगे कि किसान ईंट से ईंट बजा देगा और पूरी दिल्ली के ऊपर कब्जा करेगा चंद ही दिनों के अंदर। एक विनती और मेरी आह्वान कि ऊपर से जो आदेश मिले उसी की अगुवाई पर, आह्वान पर आप कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी आयोजन हो, उसके ऊपर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, किसान मरण मारने के लिए तैयार है, किसान तो हर जगह खून बहाने के लिए भी तैयार है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, वो बच्चे और जन जन की आवाज के लिए बैठे हैं, तो आपको उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए और उनकी एकता का परिचय दिखाते हुए सभी को जयकारा लगाना, किसान एकता, किसान एकता, खट्टी सरकार, नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, मुर्दाबाद, जय।